भारत में 25.01% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे हम। तो साहब, विश्व गुरु ऐसे तो नहीं बनाया जा सकता। जिस देश के लोग 25% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वे विश्व गुरु कैसे बनेंगे। अगर राज्यों की बात की जाए तो पहले नंबर पर बिहार राज्य आता है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है और वहां पर 51.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, यानी कि बिहार की आधा से ज्यादा आबादी गरीब है और डबल इंजन की सरकार भी वहां पे है। नीतीश बाबू बोलते हैं सुशासन है। ये कैसा सुशासन है जहां पे 51% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। दूसरे नंबर पर झारखंड आता है जहां पे 42.2% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश जहां पर 37.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं कि यहां डबल इंजन की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वहां पे नंबर एक पे है और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर तीन पर है। ये कैसा विश्व गुरु बनाया जाएगा अब देश को जहां पे गरीबी इतनी है। और बता रहे हैं योगी जी कि यहां पर बहुत ही शानदार रोजगार के अवसर आ गए हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे राज्य जहां पर गरीबी सबसे कम है। पहले नंबर पर आता है केरल। जी हां, केरल में 0.7% लोग, एक बार फिर से सुन लीजिए, 0.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब केरल में ना के बराबर गरीबी है। गोवा जहां पे 3.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। और पंजाब का नंबर आता है तीसरे नंबर पर अमीरी के मामले में, तो वहां पे 5.6% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यानी कि उत्तर भारत में स्थिति बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार ने अपना परचम लहराया है क्योंकि यहाँ पे जो तीन टॉप के गरीब राज्य है उसमें दो जगह डबल इंजन की सरकार है। और इसके लिए भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग करते रहिए यही झगड़ा हिंदू मुस्लिम का, ताकि ये आंकड़ा बढ़ता रहे। धन्यवाद।